हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में आप देखेंगे मेगा लेसन प्लान, यानी ये जो है हिंदी का पेडागोजी ऑफ हिंदी का लेसन प्लान है, जो मेगा लेसन प्लान है। और इसके पहले बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं हिंदी पेडागोजी से, जो हिंदी पेडागोजी का जो है माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान अपलोड किया जा चुका है। और उससे भी पहले जो सीरीज चला था बायोलॉजिकल साइंस का, वो भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं मेगा लेसन प्लान ऑफ हिंदी। ओके, तो देखिए आप अपने ये फ्रंट पेज जो होता है, आप जो उसको अट्रैक्टिव दिखने बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ताकि टीचर देखे तो लगे कि हाँ आप में कुछ क्रिएटिविटी है, आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है मेगा लेसन का प्लान का है पाठ योजना फर्स्ट। और ये जो है आप अगर कॉपी में बनाना चाहते हैं, अगर आपका कॉपी ऐसा है जिसमें आपका ये कॉलम बना हुआ है सारे लिखने का, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। अगर नहीं है तो आप कॉपी नॉर्मल कॉपी में भी ऐसा आप यहाँ पे रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, टाइम, टॉपिक, डेट इत्यादि लिख सकते हैं। उसके बाद अपना यहाँ से अपना इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिएगा, सामग्री जो होगा करने का वो कीजिएगा। ओके, तो देखिए हिंदी सब्जेक्ट जो है हिंदी का है और टॉपिक जो है पद व्यवस्था। ओके, और ये जो होता है 35 मिनट का होता है। माइक्रो टीचिंग जो आपका था वो 6 to 7 मिनट का होता है, लेकिन ये जो है 35 मिनट का है और ये जो है 6 क्लास का है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। पहले आपका जो अनुदेशनात्मक सामग्री होता है आप लिख लेंगे वो, यानी सामान्य सामग्री और विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में आपका हो जाएगा नॉर्मल सा ब्लैक बोर्ड, चौक, जो भी हो, ये डस्टर, जो भी हो आपका हो जाएगा सामान्य जनरल सामग्री, सामान्य सामग्री। और विशिष्ट सामग्री में आप कुछ चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह यूज कर सकती हैं, जो अलग से आप बना करके ले जाने हैं बच्चों के लिए, तो वो हो जाएगा आपका विशिष्ट सामग्री। ओके, और ये हो गया सामान्य सामग्री। अब आप सोचेगा कि ये ऐसे कैसे लिखा गया, सामान्य सामग्री, विशिष्ट सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री, सॉरी उद्देश्य। तो आप अगर नहीं जानते हैं लेसन प्लान के बारे में, तो आप इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो, आप वो देख सकते हैं। लेसन प्लान क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसमें होते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। फर्स्टली आपको क्या लिखना होता है, सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री आपने आपको तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे चौक, झाड़न यानी डस्टर, संकेतक, ओके, पुस्तक। और विशिष्ट सामग्री में चार्ट, वास्तविक वस्तुएं, फ्लैश कार्ड एंड मॉडल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको लिखने हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें जो होते हैं दो उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आप डायरेक्ट सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य भी लिख सकती हैं। तो सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका हिंदी, जब आप पढ़ाएंगे या हिंदी सब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है, तो हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो सामान्य उद्देश्य में वो लिखा जाता है। यानी हिंदी के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, बच्चों की भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना। जो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आप अपना कॉपी मेंटेन करने के लिए आप जो लेसन प्लान बनाएंगे आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं पढ़ूंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे होगा विशिष्ट उद्देश्य। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य वो होता है जो आप किसी लेसन प्लान को पढ़ा रही हैं, और उस लेसन प्लान को पढ़ाने से बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए, क्या होगा, वो विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या हो जाएगा, पद व्यवस्था जब पढ़ाएंगी, पढ़ाइएगा आप लोग, तो होगा छात्रों को पद व्यवस्था का ज्ञान हो जाएगा, छात्र परिभाषा करने में सक्षम होंगे, छात्र पद व्यवस्था की व्याख्या करने में सक्षम होंगे, छात्रों का पद व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे, वो पुनरावृत्ति रिकॉल कर सकते हैं, वो पहचान कर सकते हैं। तो आप ऐसे ये आप समझेगा, यानी कि आप जो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, देन बोधात्मक, यानी बच्चे बोधात्मक का उद्देश्य क्या होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को इसमें समझना होता है, बच्चे एक्सप्लेन कर पाएंगे, एग्जाम्पल दे पाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे, ये क्या समानता कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। ओके, तो यही होता है, उल्लेख कर पाएंगे। देन प्रयोगात्मक में वो प्रयोग कर सकेंगे, जो आप नॉलेज देंगे उन्हें वो अपने न्यूज कुछ थिंकिंग बनाने में या सोचने में या करने में वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, छात्र पद व्यवस्था से प्राप्त ज्ञान को अपने व्यवहारिक ज्ञान में, जीवन में प्रयोग करने में सक्षम होंगे। ओके,
नेक्स्ट देखिए कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें क्या होता है कौशल यानी पठन कौशल का विकास होगा, लिखित कौशल का विकास, लिखने की कौशल का विकास होगी, मौखिक कौशल का विकास होगा। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है पूर्व ज्ञान, ओके पूर्व परिकल्पना। इसमें जो होता है कि आपको परिकल्पना करना होता है, ये जो होता है ये प्री सर्विस जो होते हैं टीचर्स यानी हम लोग आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, जो छात्र अध्यापक होते हैं वो जो होते हैं उन्हें पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है वो यही होता है। उनमें उनको क्या करना होता है, लेसन प्लान बनाना होता है और ये सारे काम करने होते हैं। तो उसमें उनको क्या पूर्व ज्ञान परिकल्पना करना होता है कि बच्चे क्या जानते होंगे, अगर मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में क्या जानते होंगे, क्योंकि आप पिछले क्लास में पढ़ाया होगा तो आपको बखूबी पता होगा। तो देखिए छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती हैं कि छात्रों को पद व्यवस्था से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी होगी, इस आधार पर छात्राध्यापिका छात्रों को कुछ प्रश्न पूछेंगी, ओके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। तो प्रीवियस नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग या लेसन प्लान बनाने के लिए। ओके किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है, इसके बिना हम कोई भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं, छात्राध्यापिका पूर्व परीक्षण के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। तो इसमें आपको एक दो का कॉलम का बना होना ये फॉर्मेट होता है, जिसमें जो होता है छात्राध्यापिका, अगर आप छात्र छात्राध्यापिका अध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, और छात्र क्रियाएं तो इसमें चार पांच से इंट्रोडक्शन जो होता है इंट्रोडक्शन स्किल आपको बताया गया है इस पहले वीडियो में, सीरीज में आपको चलाया गया था माइक्रो टीचिंग का जिसमें स्किल बताया जाता है। तो आपको फर्स्ट होता है जो इंट्रोडक्शन स्किल होता है, तो इंट्रोडक्शन स्किल का काम यहाँ पे होता है फर्स्ट स्टेप पूर्व ज्ञान का पता लगाने में, जिसमें आपको पांच छह क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो आप कैसे पूछेंगी तो उसमें आपको पता होगा कितने घटक काम करते हैं, कैसे सार्थक होना चाहिए, निरंतर पूछे जाने चाहिए, तो उस टाइप का आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगी। और लास्ट में जब बच्चे नो आंसर यानी साइलेंट हो जाएंगे तो आपको वहां से टॉपिक स्टार्ट करना है। आपको ऐसे करना है कि लास्ट आपका टॉपिक बच्चा ना जाने और आपका टॉपिक क्वेश्चन भी लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हो। ओके अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है उपविषय की घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, आपको क्या पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका उपविषय की घोषणा करती हैं, छात्रों आज हम पद व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जब क्लास लेसन प्लान पढ़ाने जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तब वहां पे आप डायरेक्ट टॉपिक नहीं लिख सकते, आप इंट्रोडक्शन प्रीवियस नॉलेज का पूछ करके तभी आप बच्चों को बोलेंगी, वहां पे टॉपिक पे आप अपना हेडिंग देंगे कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके अब नेक्स्ट जो होता है प्रेजेंटेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जो जब अभी आप अगर आपने टीचिंग फेज पढ़ा होगा तो टीचिंग फेज में ये सारे आते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा वो आते हैं सॉरी प्री फेज में, और ये जो होता है इंटरएक्टिव फेज, इसमें जो होता है प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रेजेंटेशन जो होता है छात्र अध्यापिका पूर्ण आत्मविश्वास के साथ छात्रों के सक्रिय सहयोग से उपविषय का प्रस्तुतिकरण विकास करेंगे। तो इसमें आपका जो ये फॉर्मेट दिख रहा है तो आपको इतना फॉर्मेट बनाना है। तो जैसे टीचिंग प्वाइंट यानी शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट हो गया छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट वर्क। ओके देखिए पद व्यवस्था, आपको एक एक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक में कंसेप्ट में बांटना होता है और आपको पढ़ाना होता है। ओके तो देखिए आप ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको ये भी बताते जाऊंगी, ये आपको ब्लैक बोर्ड साटना है, आप अच्छे से जितना डिजाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहें आप बना सकती हैं। ओके ताकि टीचर को लगे कि हाँ आप अभी आर्टिफिशियली इतना अच्छा कर सकती हैं, तो क्लास में जाएंगी तो कितना अच्छा करेंगी। ओके हो गया, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, अगर ना दिख रहा हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं, कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके अगर आप इससे भी बेटर करना चाहें तो आप बना सकती हैं, मुझे और खुशी होगी और आप जरूर बताइएगा। देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू या विकासात्मक क्वेश्चन जो होता है जो क्वेश्चन पूछ के आप क्लास को प्रस्तुत कर सकती हैं, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करने वाली हैं। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप
आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है अपना कॉपी। देखिए ये कॉपी जो है चेक हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट मिले हैं टीचर्स के। टीचिंग वॉज डन, इट वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे ही आपको भी कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। और ये जो है आपका होमवर्क है, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं बताया, जब आप अपना प्रेजेंटेशन कर देंगी, कर दीजिएगा लोग आप लोग, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति यानी रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने जो पढ़ाया उससे बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा है, कितना सीखा, कहाँ तक सीखा। ओके और ये होता है गृह कार्य होमवर्क, यानी आपको बच्चों को घर के लिए कार्य देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आप इससे अच्छे अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप इसे ऐसे बना सकते हैं होमवर्क के लिए, देखिए कितना अच्छा है ना। तो यहाँ पे आप एक दो चार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी आप लिख सकती हैं। तो पद व्यवस्था किसे कहते हैं, पद व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ऐसे बनाना है। ओके देखिए चलिए मैं आपको एक और लेसन प्लान बता देती हूँ, आपको दो कर दे रही हूँ। देखिए ये जो है हिंदी का है और ये सिक्स क्लास के लिए है। ओके और इतने मिनट, और इसका जो टॉपिक है वो है विशेषण व भेद। ओके तो देखिए यहाँ पे सहायक सामग्री का प्रयोग, सामान्य सामग्री, विशेष सामग्री। सामान्य सामग्री में आप बहुत से अच्छे कलर से यूज कर सकती हैं, अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकती हैं, आप बना सकती हैं। ओके ग्लिटर का यूज करके जो भी हो आप अट्रैक्टिव दिखने के लिए। देखिए विशिष्ट सामग्री। नेक्स्ट है शिक्षण का, शिक्षण के उद्देश्य यानी समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य आपका हिंदी का हमेशा समान उद्देश्य एक ही रहेगा। ओके आपका जो भी लेसन प्लान होगा हिंदी का सबका समान उद्देश्य एक ही होगा, बस आपका विशिष्ट उद्देश्य हर टॉपिक के अकॉर्डिंग बदलेगा। ओके देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य दिख रहा है आपको, मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद है पूर्व ज्ञान परिकल्पना, यानी छात्र अध्यापिका यह कल्पना करती है कि छात्रों को संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी होगा, जिसके आधार पर वो छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगी उनके प्रीवियस नॉलेज परीक्षण के लिए, प्री नॉलेज टेस्टिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मेट होगा 4 से 5 क्वेश्चन पूछने और लास्ट में जो होगा नॉट रिस्पांस बच्चे का होना चाहिए और आपका लास्ट टॉपिक टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ओके तब आप वहां पे उप विषय की ये देंगी आप प्रस्तुत, सॉरी आप अनाउंस करेंगी कि आपको क्या पढ़ाना है, पढ़ाना है आप लोगों को। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा, प्रस्तुतिकरण में आपके जो फॉर्मेट बनेंगे वो होंगे ऐसे। देखिए विशेषण आपका टॉपिक जो है एक कंसेप्ट होगा, एक यूनिट हो गया लेसन प्लान की यूनिट। ओके इकाई जो होता है, देखिए यहाँ पे आप ये ब्लैक बोर्ड यूज कर सकती हैं। उसके बाद गुण, उसके टाइप्स, विशेषण के प्रकार, आपके जितने पॉइंट बनेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गुणवाचक विशेषण एग्जाम्पल, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएंगे इसके ये। ओके अब देखिए पहले मैं आपको ये दिखा दूँ आपका ओके अब आपको मैं दिखाती हूँ ये। देखिए ये जो है विशेषण के प्रकार, ये हो गए आपके विशिष्ट क्या सामग्री, आपने एक ये चार्ट बनाया और उसमें आप बच्चे को दिखा रही हैं कि ये विशेषण के प्रकार हैं, विशेष संख्यावाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, सॉरी विशेषण परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ओके देखिए आपको अच्छे से अच्छे ऐसा ही अट्रैक्टिव बनाना है, जितना आप अट्रैक्टिव बनाइएगा उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति प्रश्न कि आपने क्या पढ़ाया, बच्चों ने अब तक क्या सीखा। ओके आप लोग देख लीजिएगा अपना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका गृह कार्य, दिख रहा है ग्लिटर्स जो है ना ये चमक रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, देखिए कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं टीचर्स के। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो आपके लिए यूजफुल हो तो आप
लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे आपके फ्रेंड्स ऐसा बना सके लेसन प्लान, ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और भी सारे वीडियो के बीएड से रिलेटेड। जो भी आपको अगर कुछ क्यूरी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं। और बीएड से रिलेटेड इसमें बहुत सारे वीडियोज, नोट्स वगैरह जो अपलोड किए जा चुके हैं, आप यहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।